खबर आ रही है दिल्ली से, खबर जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। कालाबाजारी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में से 2 मेडिकल शॉप चलाते हैं, जबकि तीसरा आरोपी एक सुनार है। 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक में इन इंजेक्शन को ये तीनों ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। अब तक 100 से ज्यादा इंजेक्शन ये आरोपी ब्लैक कर चुके हैं, और ऐसे में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों के लिए संजीवनी का काम कर सकती है, किस तरीके से इसकी कालाबाजारी की जा रही है। हालांकि बड़ी बात यह कि अब कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ इसी तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। इससे पहले इंदौर में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब दिल्ली में भी 3 लोग रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा कदम, ऑक्सीजन रिफिलिंग से जुड़े लोगों को तलब किया गया है। रिफिलिंग सेंटर्स के लोगों को कल पेश होना होगा। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर के तलब किया गया है। ब्लैकमेल करने वालों पर सख्त एक्शन हो, ये भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट इस वक्त एक्शन मोड में है। दिल्ली सरकार को लेकर कई सख्त टिप्पणियां अब तक हाईकोर्ट की ओर से की गई हैं, और अब एक और बड़ा कदम, ऑक्सीजन रिफिलिंग से जुड़े लोगों को तलब किया गया है। कल रिफिलिंग सेंटर के लोगों को कोर्ट में पेश होना होगा। हमने देखा है किस तरह से ऑक्सीजन की कालाबाजारी इस वक्त देश के अंदर, खासकर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हो रही है, और अब दिल्ली हाईकोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर के लोगों को तलब किया गया है, और ये भी कहा किया गया है कि जो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब हाईकोर्ट के इस कदम के बाद जो कालाबाजारी चल रही है उस कालाबाजारी पर बहुत हद तक रोक लग पाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब ऑक्सीजन की खपत ज्यादा हुई, ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा हुई, तो लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी। इसके चलते कई जिंदगियों को खत्म होते हुए भी हमने देखा, और ऐसे में अब बड़ा कदम उठाया गया है। और चलिए रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी इस वक्त हितेन जुड़े में, विमला देवी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। हितेन, आपके पास कोई बड़ी खबर है क्या हितेन? बिल्कुल शालिनी, देखिए अस्पतालों की मनमानी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और बड़ा आदेश जो है वो जारी कर दिया है। कोरोना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। लक्षण है तो रिपोर्ट का इंतजार ना किया जाए, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया। बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के भी भर्ती करें अस्पताल, भर्ती करने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं है। अस्पतालों को पॉजिटिव रिपोर्ट मांगना ये गलत है। देखिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली में शिकायतें देखने मिल रही है कि मरीज पहुंच रहा है अस्पताल लेकिन अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता, ऐसे में अस्पतालों की मनमानी पर यह दिल्ली हाईकोर्ट का सबसे बड़ा आदेश कह सकते हैं कि अब बिना रिपोर्ट के भी अस्पतालों को मरीज को भर्ती करना पड़ेगा अगर उस मरीज के अंदर कोरोना के लक्षण है और रिपोर्ट पॉजिटिव भले ना आई हो, रिपोर्ट आई भी ना हो, तब भी अस्पतालों को जो है उस मरीज का इलाज करना होगा, भर्ती करना होगा, रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना होगा। ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए एक तरफ से कैसे एक राहत भरा बड़ा आदेश जो है, क्योंकि अब तक ये देखने को मिला कि कई अस्पताल जो थे वो लोगों को पॉजिटिव होने के बाद भी भर्ती नहीं कर रहे थे, अब ऐसे में हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उन्हें भर्ती करना होगा, ऐसे में मरीजों के लिए बहुत राहत है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए, अभिषेक एम्स के बाहर मौजूद है। अभिषेक, क्या बड़ी खबर वहां से? बिल्कुल देखिए अनुराग, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है एम्बुलेंस को लेकर। खबर यह है कि अस्पतालों के बाहर एडमिशन के लिए तड़प रहे मरीजों की भीड़ है, और तो वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस चालक भी मरीजों की जान के दुश्मन बने हुए, ये खबर लगातार हमने दिखाई भी है। दिल्ली में एम्बुलेंस वाले खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, मरीजों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, मरीज के परिजनों से मनमाना पैसा मांगा जा रहा है। मरीज आप समझिए कि आरएमएल से लेकर अगर छतरपुर जाना है तो 15,000 रुपये उसका किराया है, जबकि डिस्टेंस 20 से 25 किलोमीटर का है। उसके अलावा एम्बुलेंस वालों की मनमानी से मरीज परेशान हो रहे हैं, मतलब ये खबर हमने दिखाई भी थी। और तमाम जो अस्पताल के बाहर जो मरीजों को लेकर अपने एम्बुलेंस की व्यवस्था करने में परिजन लगे हुए, उन्होंने खुद कहा था कि अगर 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए एक राउंड का लेते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर एम्स से सफदरजंग जाना हो तो 5,000 चाहिए, और अगर सफदरजंग से उसको साकेत जाना हो, अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पर साकेत है वहां पर बेड अवेलेबल अगर किसी को पता चले तो उसके लिए फिर अलग रेट है, यानी कि अगला 5,000 रुपया उसको चाहिए। तो जो ये एम्बुलेंस वाले हैं वो भी इस वक्त पूरा फायदा उठा रहे हैं, मरीजों को लूट रहे हैं,
स्थिति बेहद गंभीर है, मरीजों की स्थिति खराब है। मेरे सामने कई एम्बुलेंस में मरीजों ने दम तोड़ दिया, उनकी स्थिति नाजुक है और एम्बुलेंस वाले भी इस वक्त मनमाना पैसा मांग रहे हैं, लूट रहे हैं। कार्रवाई के खिलाफ भी होना चाहिए अभिषेक, ये बात जरूरी हो जाती है इस वक्त। आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त एक और बड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। यहाँ शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी से आगरा जूझता नजर आ रहा है। पिता का शव कार की छत पर लेकर के बेटा शमशान घाट पहुंचा। पिता की मौत के बाद बेटे को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, अस्पताल से ये एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और ऐसे में उसे एम्बुलेंस की छत पर ही शव को ले जाना पड़ा। ये कार से दरअसल वो अपने पिता के शव को शमशान घाट तक ले गया। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, जहां पर आप देखकर समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी अस्पताल नहीं करवा पा रहे हैं या प्रशासन की ओर से ये व्यवस्थाएं भी नहीं करवाई जा सकती हैं। इसके चलते लोग किस तरीके से अपने के परिजनों अपनों के शवों को शमशान लेकर पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। आगरा से ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक बेटा अपने पिता के गुजर जाने के बाद गाड़ी की छत के ऊपर शव को बांध करके शमशान घाट पहुंचा। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो हैरान रह गया। इतनी लाचार हो चुकी है व्यवस्था हमारी और सिस्टम कि जीते जी न इलाज मिल रहा है और मरने के बाद एम्बुलेंस और शमशान में जगह तक नसीब नहीं हो पा रही। और बड़ी खबर आपको बता दें, गूगल ने भारत के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कोरोना के खिलाफ जंग में गूगल का साथ, भारत को 135 करोड़ की मदद गूगल देगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने यह ऐलान किया है। गूगल की तरफ से भारत को मदद मिल रही है, 135 करोड़ की मदद गूगल भारत को देने वाला है। गूगल के सीईओ की तरफ से यह ऐलान किया गया है। इस मुश्किल घड़ी में पूरे विश्व का साथ भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसी मुश्किल घड़ी में अब गूगल भी भारत के साथ आगे आया है। और चलिए रुख कर लेते हैं, मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, हितेन और अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक आपके पास आ रही हूँ। कोर्ट ये कहता है कि अगर पॉजिटिव रिपोर्ट ना भी हो मरीज के पास तो भी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाए। अब अभिषेक सवाल ये उठ रहा है, जिनके पास पॉजिटिव रिपोर्ट है उनका तो इलाज हो नहीं पा रहा है, हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन कर पाएंगे अस्पताल? देखिए, हाईकोर्ट शालिनी इस बात को ले भी कह रहा है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ केसेस ऐसे आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा पेशेंट कोविड पॉजिटिव नहीं है लेकिन सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त हो रही हैं और ऐसा नहीं है कि कोरोना के अलावा और दिक्कतें लोगों को नहीं है या और बीमारियां चली गई हैं, तो ऐसे में एडमिशन लेना जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। सबसे पहला प्राइमरी चीज ये है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अगर कोरोना पेशेंट्स के लिए बेड अवेलेबल नहीं है, मैं एम्स के ट्रॉमा सेंटर में गेट नंबर 2 पे खड़ा हूं और यहां पर भी बेड फुल है, यहां पर भी जगह नहीं है, अगर कोई नया पेशेंट आता है तो उसको जगह नहीं मिल सकती, तो ऐसे स्थिति में जो दूसरे पेशेंट हैं जो कोरोना के पेशेंट नहीं है, अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको कैसे बेड मिलेगा, ये तो सोचने वाली बात है। ऑक्सीजन की किल्लत वैसे ही है, 12 घंटे का ऑक्सीजन आता है उसके बाद फिर अगला 12 घंटे का ऑक्सीजन के लिए क्या होगा ये आगे का फ्यूचर किसी को नहीं पता, टैंकर का वेट करते रहते हैं लोग। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है तमाम, बदरपुर के लिए मैंने आपको उस दिन स्टोरी दिखाई थी, आज वो प्लांट बंद हो गया क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है रिफिलिंग सेंटर पे। अब ऐसी स्थिति होती है कि रिफिलिंग सवाल सेंटर वही है कि अस्पताल भर्ती कर तो ले मरीजों को, लेकिन वो तमाम व्यवस्थाएं कहां से देंगे जो कोविड से लड़ने के लिए आज मरीजों को जरूरी हो जाती हैं।